हाय एवरीवन, तो हमने दो क्लास के अंदर नरेशन पढ़ ली और उसके अंदर हमने कितने पॉइंट्स देखे थे। हमने पढ़ा नरेशन के अंदर सबसे पहले प्रोनाउन का चेंज, ठीक है, और सेकंड देखा हमने किसको, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस का चेंज। अब तीसरा पॉइंट है हमारा वर्ड्स और एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की। याद होगा आपको, मैंने एक सेंटेंस लिया था। सेंटेंस क्या था, ही सेड टू मी, ये एक सेंटेंस लिया था स्टार्टिंग के अंदर, हमने जब नरेशन के बारे में बात करनी शुरू करी थी। तो हमने इसके अंदर देखा था कि ये क्या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे हम प्रोनाउन को, फिर हमने चेंज करी टेंस की फॉर्म, और फिर उसके बाद हमने देखा था ये। तो हमने इस चीज़ के बारे में अब तक बात नहीं करी थी, किसके बारे में, टुडे के बारे में। तो ये टुडे है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं इनको, हम देखो, अगर ही ने कहा कि वो आज अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो उसका टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, तो ये आज किसके अंदर चेंज हो जाएगा, उस दिन के अंदर। तो ऐसे ही हम एक्सप्रेशंस देखते हैं कि ये कौन कौन सी एक्सप्रेशंस हैं। अब जो वर्ड्स है ना नियरनेस को शो करने वाले, नियरनेस को शो करने वाले, जैसे कि मैंने बात करी टुडे, दिस, दीज, हेयर, नाउ, टुमारो, यस्टरडे, हेंस, यस्टरडे, टुमारो, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नियरनेस को। नियरनेस को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इसके अंदर देखोगे, देखो ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो प्लेस को, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं ये टाइम को, ठीक है। अगर हमने बात करी हेयर की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेस को। अगर हम बात करते हैं टुडे की, तो ये किसकी बात करता है, टाइम की बात करता है। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, डेट डे के अंदर, ठीक है। जब हम दिस की बात करेंगे, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, डेट के अंदर। दीज की बात करेंगे, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, दोज के अंदर। हेयर किसके अंदर चेंज हो जाएगा, देयर के अंदर। नाउ किसके अंदर,
देन के अंदर टुमारो, द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज हो जाएगा यस्टरडे, प्रीवियस डे हैंस देंस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम नरेशन के अंदर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसके अंदर हम चेंज करते हैं। अब बात करते हैं कि और कितने वर्ड्स हो सकते हैं, कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास जिनको हम चेंज करते हैं। जैसे कि दस की बात कर ली हमने, ठीक है, तो दस किसके अंदर चेंज होगा, अगो की बात कर ली, तो अब जो अगो है हमारा, अगो उसको कैसे चेंज करेंगे और दस को कैसे चेंज करेंगे, दस चेंज होगा हमारा सो के अंदर, अगो चेंज होगा हमारा बिफोर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। अब उनको चेंज करने की कंडीशन क्या है, अगर हमने एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस तो हमने देखा था शुरू में, तो अब हम उसी सेंटेंस की बात करें। अगर मैंने कहा कि ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टूडे, तो ही वॉज फीलिंग अनवेल टूडे की जगह किस में चेंज हो जाएगा, वो डेट डे के अंदर। अब बात करते हैं हम कि इसको किस फॉर्मेट के अंदर चेंज करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने एक चीज़ देखी थी, जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब किसके अंदर थी, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर थी, तो हम क्या चेंज कर रहे थे उसके अंदर, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या कर रहे थे, नो चेंज कर रहे थे, किसी तरह का कोई बदलाव था टेंस के अंदर नहीं, लेकिन प्रोनाउंस को हम चेंज कर रहे थे। तो क्या अब हम इन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को चेंज करेंगे उसके अंदर, बताओ, क्या हम वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को चेंज करेंगे। भाई बात करी थी हमने रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी किसमें थी, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच थी उसके अंदर नो चेंज लिखा था हमने, कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर होगी तो चेंज आएगा, ऐसी कोई बात करी थी और उसी के हिसाब से हमने अपने सेंटेंस की प्रैक्टिस करी थी। अब मैं कहता हूं कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये हमारे टू वर्ड्स जो हैं इनके अंदर हम चेंज नहीं करते, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है तो इनके अंदर चेंज होगा, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ गई होगी आपके, अब इसको पहले तो आप नोट कर लो, फिर उसके बाद करते हैं कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस। अब जो सेंटेंस होंगे ना उनके साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को चेंज करो, तो इस सेंटेंस को तो ट्रांसफॉर्म कर ही लिया होगा इनडायरेक्ट के अंदर। अब इसकी बात करें हम तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट, डैट क्यों आया, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया डैट आ गया, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ही के अंदर चेंज हो गया, वी टू लिखी हुई है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, हैड सीन,
योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये माई ब्रदर टू ईयर बिफोर, ठीक है। तो जो ये अगो है हमारा किसके अंदर चेंज हो गया, बिफोर के अंदर। अब बात करें हम अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, तो इसकी बात करोगे तो देखो किसके अंदर है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, प्रेजेंट के अंदर। और जब ये प्रेजेंट के अंदर है तो क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा। केवल चेंज करेंगे तो यहाँ पर करेंगे, केवल चेंज करेंगे तो यहाँ पर करेंगे, या यहाँ पर हो सकता है। आगे चले अंकल तो चेंज होगा ही नहीं, आगे चलते हैं टुडे को देखते हैं, टुडे चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुमने क्या बनाया होगा, रानी हैज सैड, ठीक है। आगे क्या लगाया, डेथ। अब आई चेंज होगा रानी के अकॉर्डिंग, शी हो गया शी मेट, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट। ऐसे ही देखो इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट के अंदर थी, तो हमारा जो एक्सप्रेशन थी अगो उसको हमने चेंज करा, लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के अंदर हो या फ्यूचर के अंदर हो तो हम अपनी एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज क्या, अब सपोज करो मैंने लिख दिया यहां पर हेयर एंड देयर, दोनों एक्सप्रेशंस को, दोनों वर्ड्स को मैं अगर एक साथ यूज कर रहा हूं तो अब तुम तो क्या करोगे, इसको चेंज करके बैठ जाओगे, ठीक है। ये हो गया देयर, और कहोगे सर ने देयर का तो बताया नहीं, तो देयर तो देयर ही रहेगा। तो जो हमारी ये एक्सप्रेशंस होती हैं ये इडियमेटिक होती हैं, तो इनके अंदर भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस के बारे में देखते हैं, अगर मैं कहूँ नाउ और नेवर, ठीक है, या नाउ एंड नेवर, हेयर एंड देयर, तो क्या हम इन एक्सप्रेशंस के अंदर चेंज करेंगे, हम इन एक्सप्रेशंस के अंदर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी इडियमेटिक एक्सप्रेशंस हैं और ये हमारी सेंटेंस के अंदर चेंज नहीं होती हैं। अब इनके बारे में सेंटेंस देखते हैं कि इनके सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए आप क्या क्या करोगे इनके साथ। तो ये हमारे सामने कुछ सेंटेंस हैं जिनको आपको पहले करना है, फिर उसके बाद शुरू करते हैं इनके आंसर देखने। तो सेंटेंस नंबर 29 को देखते हैं, तो देखो आई स्पीकर चेंज हुआ, नहीं हुआ। सेट टू को किस में बताया था चेंज होना, टोल्ड के अंदर। हर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि लिसनर और स्पीकर चेंज नहीं होते। इन्वर्टेड कोमाज हटे, डेट आ गया। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्पीकर, तो आई एज इट इज आएगा। शैल शुड में या फिर वुड, ठीक है। सी यू, यू चेंज होगा लिसनर के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा यहाँ पर हर। हेयर चेंज होगा देयर के अंदर। टुमारो का मतलब हो गया द नेक्स्ट डे। इतनी बात समझ में आई। अगले सेंटेंस को देखते हैं, शी स्पीकर चेंज होगा, नहीं। सेट टू पास्ट में है, टोल्ड में। हिम
डैट, इन्वर्टेड कॉमास हट गए, आई चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग, सी बन गया। बोट का मतलब हो गया हमारी वी टू है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बोट की जगह आ जाएगा हैड बोट। दीज बुक्स, यानी दीज किसके अंदर चेंज होगा, आप देखो दीज आ गया ना यहाँ पर, ये दीज किसके अंदर चेंज होगा, दोज के अंदर। यस्टरडे की बात करेंगे तो यस्टरडे के लिए क्या है हमारा, प्रीवियस डे। सेंटेंस 31, यू सेड टू देम, यू सेड टू टोल्ड में, आगे चले देम, लिसनर एज इट इज, इन्वर्टेड कोमास हटाए, कंजंक्शन लगाया डेट। नाउ, नाउ चेंज होगा किसके अंदर, देन के अंदर। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि स्पीकर यू। शैल चेंज हो गया शुड के अंदर, टेल एज इट इज। अब यू है, देम को देखकर चेंज होगा, ठीक है। यू गया देम के पास, देखा, चेंज करा हमने किसके अंदर, देम के अंदर। अनदर स्टोरी, सेंटेंस 32, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू की बात करी तो आई किसके अंदर चेंज होगा, चेंज होगा नहीं, क्योंकि स्पीकर है हमारा। सेड टू किसके अंदर, टोल्ड के अंदर। यू एज इट इज, कंजंक्शन हटा, डेट आया, आई गया आई के पास, चेंज हुआ नहीं। इंटेंट यानी कि वी वन, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है किसके अंदर, किसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो आई इंटेंडेड टू स्टार्ट बिजनेस। अब हमें दिखाई दिया नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या यूज करेंगे हम, द फॉलोइंग ईयर। जिसके सेंटेंस में कोई एरर थी वो नोट कर सकता है, फिर चलते हैं हम आगे। शी की बात करें तो शी रहेगा, सेज आया आगे, यानी कि प्रेजेंट में है, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, डेट आया, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू शी, यानी कि स्पीकर, तो शी। शैल चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट के अंदर है। फिर हम आगे चले, हमने सेटल अकाउंट्स जस्ट नाउ, क्यों चेंज नहीं करा इनको, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के अंदर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रानी सैड, इन्वर्टेड कॉमास हटे, डेट आया, आई चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू रानी, शी, विल चेंज होगा वुड के अंदर, मीट हिम। अब द डे आफ्टर टुमारो, इसके लिए अगर देखें हम तो दो दिन की बात है ये। टुमारो का मतलब क्या हुआ, अगर आज यहाँ पर हम खड़े होकर कहते हैं टुमारो तो ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद का अगर ये कह रहा है कि आफ्टर टुमारो, यानी कि एक दिन और, तो इसका क्या मतलब हुआ, टू डेज लेटर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू चेंज, टोल्ड के अंदर, द ऑफिसर एज इट इज, क्यों, क्योंकि लिसनर नेवर चेंजेस, इन्वर्टेड कॉमास हटे, डेट आया, दीज को चेंज करा किसके अंदर, दीज चेंज हुआ दोज के अंदर, मैन आया, ठीक है। अब फॉलो, फॉलो किसके बाद हो, फॉलो किस में चेंज होगा,
फॉलोड में मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग, यानी कि यहां पर आ गया हिम। हेयर एंड देयर, ये एक्सप्रेशन चेंज होगा, क्यों? क्योंकि ये इडियोमेटिक है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हेयर एंड देयर एज इट इज हमने लिख दिया। रानी सेज, यहां तक तो बात है सही। आई चेंज हुआ रानी को देखकर, शी आया। हैव चेंज होगा सेज को देखकर, तो आ गया यहां पर हैज। हैज क्यों आया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर। आगे चले, डन दिस जॉब चेंज होगा? नहीं होगा, दिस हमारा क्या रहेगा? दिस में ही। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड डैट दिस इज द हाउस वेयर माई फादर लिव्स। अब ये बताओ, यहां तक का तो हो गया, ही सेड डैट, क्या चेंज करा इसको? डैट वॉज द हाउस वेयर हिज फादर लिव्ड, या फिर ही सेड डैट दिस वॉज द हाउस वेयर हिज फादर लिव्ड। अब एक एक्सेप्शन आता है, वो क्या कहता है कि दिस हो हमारा हेयर हो या नाउ हो, उसको हम चेंज नहीं करते, क्योंकि जब अगर हम रिपोर्टिंग के टाइम पर जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम खड़े होकर अगर उसी को हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा दिस होगा या फिर यहाँ पर अगर हेयर होता या नाउ होता तो वो चेंज हमारा नहीं होता। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि दिस हमारा यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइम पर रिपोर्टिंग की गई है उस टाइम पर जो बंदा यहाँ पर था उस वो प्रेजेंट था ना यहाँ पर, इसलिए ये दिस हमारा चेंज नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा ही सेड डैट। दिस आगे ये चेंज हुआ हमारा वर्ब के अकॉर्डिंग, वाज, और ये वेयर हिज फादर लिव्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा, नाउ एंड नेवर या और नेवर, हेयर एंड देयर, टुडे एंड टुमारो, ये एक्सप्रेशंस होंगी तो ये भी चेंज नहीं होंगी। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, और जो हमारे टू वर्ड्स हैं ये जो इंडिकेट करते हैं नियरनेस को, वो भी चेंज हमारे नहीं होंगे। अब हमने बात करी लास्ट में कि जो हमारा दिस हेयर और नाउ है, ठीक है, वो भी हमारे क्या बताते हैं? नियरनेस को बताते हैं। This, here और now, ये भी हमारी नियरनेस को बताते हैं। तो इनके अंदर
ये चेंज नहीं होते जब ये रेफर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो हमारा प्रेजेंट होता है रिपोर्टिंग के टाइम पर। ठीक है, तो ये हमारी तीन बातें थी इसके अंदर जिनको हमने देखा कि वर्ड्स और एक्सप्रेशन के अंदर, और इसकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। अब बात करेंगे हम किसकी, प्रोनाउन की। अब बात करते हैं प्रोनाउन में वी के केस की। तो ये चार पांच सेंटेंस है आपके सामने जिनको आपको चेंज करना है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच में हमें यहाँ पर वी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी वी दिखाई दे रहा है, सारे सेंटेंस में हमें वी दिखाई दे रहा है। तो पहले सेंटेंस की जब बात करेंगे तो पहले सेंटेंस में आपने क्या चेंज किया होगा इसके अंदर, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करा होगा इनडायरेक्ट में, तो आपका जवाब क्या होगा इसके लिए। अगर हम कहें कि आपने लिखा होगा माई ब्रदर सेड टू, किसके अंदर चेंज हुआ, टोल्ड के अंदर और मी। ठीक है, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई है। इतना तो हर कोई कर लेता है। अब हम इसको भी चेंज करते हैं, अगर इसको भी हमने बना दिया माई ब्रदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास तक गए, इसके लिए हमने यूज कर लिया डेट को। अब कंफ्यूजन आया कि वी जो है वो हमारा वी ही रहेगा या दे, वी के अंदर चेंज होगा या दे के अंदर चेंज होगा। तो वी की बात जब करेंगे हम, तो वी के लिए देखते हैं हम, वी की जब इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आती है, क्या इन्वॉल्वमेंट जब नजर आती है हमें, तो हम वी को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्पीकर है और लिसनर है, जो हमारा स्पीकर है और लिसनर है और उसमें हमें इनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, तो हम उसको वी का वी ही रखते हैं। लेकिन जब हमारा स्पीकर और लिसनर की इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती, इन्वॉल्वमेंट हमें शो नहीं होती,
इन्वॉल्व नहीं होते वो, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके अंदर, दे के अंदर। इतनी बात समझ में आई? तो अब बात करें, अगर यहां पर माई ब्रदर सेड टू मी, तो इसको तो चेंज कर लिया आपने, माई ब्रदर टोल्ड मी डैट। और वी, वी का मतलब क्या हुआ, मैं और मेरा भाई, यानी कि मेरे भाई ने कहा कि हम कल शिमला जाएंगे, वी विल गो टू शिमला टुमारो। तो स्पीकर और लिसनर दोनों की इन्वॉल्वमेंट है ना इन्वॉल्वमेंट, तो हम यहां पर यूज करेंगे सब्जेक्ट वी, ना कि दे। आगे चले, यूजुअल चेंजेस, जैसे विल चेंज होता था वुड के अंदर, गो टू शिमला टुमारो, टुमारो का मतलब द नेक्स्ट डे। सेकंड सेंटेंस, माय ब्रदर सेड टू मी वी विल रिनोवेट आवर हाउस, मेरे भाई ने कहा कि हम कल अपना घर रिनोवेट करेंगे। माय ब्रदर सेड टू मी वी विल रिनोवेट आवर हाउस, हम अपने घर को रिनोवेट करेंगे, यानी उसकी मरम्मत करेंगे, तो हम दोनों मिलके करेंगे ना। तो जो यहां पर वी यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, स्पीकर के लिए भी यूज हो रहा है और लिसनर के लिए भी यूज हो रहा है। तो हमने यहां पर वी को चेंज किया दे के अंदर, नहीं किया, तो हमारा वी वी ही रहेगा। और आगे वुड रिनोवेट आवर हाउस, क्या आवर को चेंज करेंगे हम यहां पर, नहीं करेंगे। आवर चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं किसकी, वी की। सेकंड, 40 सेंटेंस, 40th, माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट वी विल रिनोवेट आवर हाउस। अब इस सेंटेंस के अंदर जब बात करें तो हमें देखो 40 और 41 दोनों सेंटेंस सेम लिखे हुए हैं, और दोनों के अंदर हम एक ही चीज लिख रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है हमारा सेंटेंस के अंदर। क्या डिफरेंस है वो, देखा गया किसी ने, देखा मिला किसी को, किस चीज का सेंटेंस कट, क्या एरर है उसके अंदर? अगर सेंटेंस 40 की बात करते हैं तो अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे हम, तो हम किसके अंदर चेंज करेंगे, देखो सेंस देखनी है हमें, वहां पे सेंस हमें इन्वॉल्वमेंट की नजर आ रही है, क्या स्पीकर और लिसनर दोनों ही इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, क्या स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है हमारा, कुछ भी सेंस निकाल सकते हैं ना हम। तो अगर हमें इन्वॉल्वमेंट नजर आती है तो ये वी हमारा वी ही रहेगा, अगर हमें इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आती तो ये वी हमारा दे के अंदर चेंज हो जाएगा। अब उसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है, किससे कहा, मुझसे कहा, वी विल रिनोवेट आवर हाउस। अब ये भी हो सकता है कि मेरे दोस्त ने और मैंने दोनों ने मिलके एक घर लिया हो जिसको हमें रिनोवेट करना है, एक सेंस तो हो गई ये। दूसरी सेंस, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि वी विल रिनोवेट देयर हाउस, देयर हाउस अवर नहीं, हमारे हाउस की बात नहीं हो रही, उनके हाउस की बात हो रही है, तो क्या इसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट होगी, वो मुझे तो बस बता रहा है आकर कि भाई हम अपने घर को रिनोवेट करेंगे, हम अपने घर को रिनोवेट करेंगे, यानी कि वो मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहा है इसके अंदर, वो अपने घर के बारे में बात कर रहा है जिसको उसकी फैमिली और वो मिलके रिनोवेट करेंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो हमें समझना है, कि अगर इन्वॉल्वमेंट अगर हमारे स्पीकर की और लिसनर की दोनों की मिलती है, कोई भी चीज़ हो वो, अगर सेंटेंस में हमने देखा कि एक ही सेंटेंस दो तरीके से लिखे गए हैं और कितना डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस है आवर और देयर का यहाँ पर, तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना होगा एग्जाम के अंदर, हमें देखना होगा कि यहां पर वी को वी रखना है या इसको चेंज करना है। अब डिपेंड करता है सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर कि हम उसको दो तरीके से लेकर जा सकते हैं सेंटेंस को। पहला सेंटेंस तो हमारा जिस तरह हमने कही कि माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल रिनोवेट आवर हाउस, कि ये हमारा घर है, मेरे फ्रेंड का भी और मेरा भी, यानी कि हम दोनों के पैसे लगे हुए हैं, हम दोनों ने मिलके बनाया है, जब हम दोनों ने मिलके उस घर को बनाया है तो वो घर हमारा हुआ, और जब वो घर हमारा हुआ तो हमने वहां पर यूज करा किसको, वी को। ठीक है, समझ में आया? लेकिन जब बात कर रहे हैं हम कि मेरे फ्रेंड ने आकर मुझसे कहा कि हम रिनोवेट करेंगे, हम तो उसने कहा, लेकिन क्या मेरी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर,
क्या वो घर मेरा है? जब वो घर मेरा नहीं है तो वहां पे हमने यूज करा है देयर, ठीक है। जब यहां पर देयर यूज कर लिया तो वो घर मेरा नहीं रहा। वो इससे ये कहना चाहता है कि वो और उसका परिवार, ठीक है, वो और उसकी फैमिली दोनों मिलके ही उस घर को रिनोवेट करेंगे। यानी कि मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं है, मैं तो केवल एक लिसनर था जिसका इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं था। तो इसके अंदर हम यहां पर यूज करेंगे दे। अब लास्ट सेंटेंस है ये, इसको देखो कि द मोंग सेज। मोंग क्या होते हैं? तपस्वी जितने होते हैं उनको कहते हैं साधु संत, सन्यासी, ठीक है। तो मोंग ने कहा कि वी ऑल आर सिनर्स, हम सारे पापी हैं। तो यहां पर वी जो है वो क्या एक पर्टिकुलर बंदे के लिए यूज हुआ है या पर्टिकुलर इंसान के लिए यूज हुआ है? नहीं ना। इस वी का रेफरेंस किसके लिए है? समस्त मानव के लिए, ठीक है, हर व्यक्ति के लिए। कि हमने कोई ना कोई, हर किसी ने पाप तो किया ही है कुछ ना कुछ, तो इसमें यहां पर वी हमारा यहां पर भी चेंज नहीं होता है। कि ये एक जो सेंटेंस लिखा है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है, तो इसी वजह से हम यहां पर वी को भी चेंज नहीं करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा ये भी वी ऑल आर सिनर्स। देखो सेंटेंस चेंज हुआ कहीं पर कुछ? तो ये छोटा सा डिफरेंस था कि हमें वी कहां पर यूज करना है और दे को कहां पर यूज करना है। इसकी बात हमें पता चलती है किसी भी सेंटेंस की सेंस से, क्योंकि बिना सेंस के हम किसी भी सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेंटेंस तो लिखे हमारे सामने। अगर सेंटेंस लिखने के बाद बावजूद हमें ये नहीं पता चलेगा कि वहां पर वी यूज करना है दे यूज करना है, वो कैसे पता चलेगा? हमारे किसी भी सेंटेंस के दो मीनिंग हो सकते हैं, तो हमें दोनों के ऊपर काम करना होता है कि हमें अब यहाँ पर वी इंप्लाई करना था या फिर दे यूज करना था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब बात करते हैं हम आगे। अब हम अपने अगले सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर हमने देखा कि द टीम सेड वी प्लेड एंड वॉन द मैच, दे सेड वी आर मेड ऑफ व्हाट गॉड इज मेड ऑफ।
तो ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं जिनके अंदर हमने पहले सेंटेंस को अभी हम छोड़ के चलते हैं, आगे चले, आगे हमें सेंटेंस मिला दे सैड वी आर मेड ऑफ व्हाट गॉड इज मेड ऑफ। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, जनरल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, जिससे हम बने हुए हैं, जिस मैटर से हम बने हुए हैं, उसी मैटर से भगवान बना हुआ होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। हमने सेंटेंस लिया था कि द मोंक सेज वी ऑल आर सिनर्स और वी आर मेड ऑफ व्हाट गॉड इज मेड ऑफ, तो दोनों सेंटेंस हमारे एक ही उसके हैं। तो हम अगर इसको चेंज करने चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चेंज करा होगा तो क्या लिखा होगा आपने, देखो स्पीकर चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, आगे चले इन्वर्टेड कॉमास हटे, कंजंक्शन डेट का यूज हुआ, वी एज इट इज और आर मेड ऑफ व्हाट गॉड इज मेड ऑफ। फिर हमने सेंटेंस की बात करी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं जिनको हम चेंज नहीं करते हैं। अब जिनको हम चेंज नहीं करते हैं तो उसके बारे में अगर बात करेंगे, देखो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर जो है बाद में लिखी हुई है, तो सबसे पहले तो हम उसको उठाकर आगे लेकर आएंगे। तो हमने लिखा राहुल सेज, इतनी बात क्लियर हो गई। इन्वर्टेड कॉमास हमें हटाने हैं, हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ी, डेट यूज़ करा, आगे चले आई, आई स्पीकर के पास जाकर पूछेगा कि भाई तेरा जेंडर क्या है, तो इसने कही कि यहाँ पर लिख ही, जब यहाँ पर हमने ही लिखा, यहाँ पे जब हमने ही लिखा और उसके बाद हम आगे चले, तो हमने देखा कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो विल के अंदर, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ने कहा कि हमें चेंज नहीं करना है, किसके अंदर, टेंस के अंदर, किसके, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर, ही विल डू इट नाउ और नाउ एंड नेवर, यहाँ पर आप और लिख सकते हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बारिश आ रही है। अब सेंटेंस पे आते हैं, द टीम सेड वी प्लेड एंड वॉन द मैच, सर पोज करो, तो थोड़ी सी बारिश की नॉइस आएगी क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, जिसकी आवाज आ रही है। अब देखते हैं हम इस सेंटेंस को, द टीम सेड वी प्लेड एंड वॉन द मैच। अब अगर हम यहां पर देख रहे हैं द टीम, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, हमें मिला द ज्यूरी, आगे चले हमें मिला द हिंदू, तो इसके बारे में जब बात करें तो हमें कुछ कुछ याद आना चाहिए कि हमने देखा था कि जो कलेक्टिव नाउंस होते हैं, क्या कलेक्टिव नाउंस, वो कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं, जो कलेक्टिव नाउंस होते हैं हमारे वो कुछ हमें ऐसे ही नज़र आते हैं, या तो वहाँ पे टीम लिखा होगा, ज्यूरी लिखा होगा, कुछ ऐसे ही वर्ड्स दिखाई देते हैं। और जब हम कलेक्टिव नाउंस की बात करते हैं तो इनके अंदर हमें दो चीज़ों का पता चलता है, देखो या तो हमें वहाँ पर सब की सम्मति मिलती है, सर्वसम्मति जिसे कहते हैं, यूनैनिमस, अगर हम इसी चीज़ को लिखें यहाँ पर, मैंने बात करी यूनिटी की, अगर हमें यूनिटी दिखाई देती है तो यूनिटी के लिए हम वी को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके अंदर, इट के अंदर, लेकिन अगर हमें मिलता है वहाँ पर डिफरेंस, यानी कि उनके फैसले के अंदर, उनके विचारों के अंदर अगर हमें एकजुटता नहीं मिलती है, ठीक है, यूनैनिमिटी नहीं मिलती है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं, दे को यूज़ करते हैं, तो वी चेंज हो जाता है हमारा दे के अंदर। अब इस दे के लिए यहाँ पे हमें अगर डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं तो हमने वी को चेंज कर दिया किसके अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा डिवाइड। तो अब बात बताओ मुझे कि ये सेंटेंस जो लिखा है तो इसके अंदर दे आएगा या इट आएगा, अगर हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं, वी प्लेड एंड वॉन द मैच, यहां पे एक टीम अपना रोल प्ले कर रही है और उसने रोल प्ले करा तो उसके अंदर उन सब ने मिलके ही वो मैच जीता है ना, जब सब ने ही मिलके मैच जीता है तो यहां पर वी को हमने चेंज करा किससे, इट से, और बाकी सेंटेंस को आप इजीली चेंज कर लोगे क्योंकि यूजुअल चेंजेस है आगे। तो बात करते हैं द जूरी सेड वी डिड नॉट अनाउंस द वर्डिक्ट, अब बताओ एक बात
कि अगर जूरी है और उनके फैसले के अंदर अगर डिफरेंसेस मिले, अगर एक जैसे ही यहां पर जूरी की बात कर रहे हैं हम, जूरी के अंदर देखो नंबर ऑफ पर्संस, अगर हमने कही कि पांच बंदों की एक बेंच थी, तो जिस इस बेंच के अंदर पांच बंदे हैं तो पांचों बंदे के अलग अलग विचार होंगे। अगर हमारे विचार पांचों के अलग अलग हैं एक ही वर्डिक्ट के लिए, एक ही निर्णय के लिए, तो क्या वहां पर ये नाउन कलेक्टिव की तरह काम कर रहा है? नहीं कर रहा। लेकिन अगर पांचों जजिस का निर्णय एक ही जैसा होगा तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन की तरह काम करेगा और ये एक टीम की तरह काम करेंगे। जब ये टीम की तरह काम करेंगे तो हम यहां पर यूज करते इट। लेकिन जब ये सेपरेट सेपरेट काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के विचार अलग हैं, हर किसी का फैसला अलग है, हर किसी के का विजन अलग है, तो हम यहां पर यूज करेंगे दे को। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर दे यूज हुआ, आगे का चेंज आपको पता है, डिड नॉट है, तो ये किसके अंदर चेंज होगा? हाँ शाबाश। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द हिंदू सेज वी विल फाइट टू एबोलिश करप्शन। यहां पर ये भी एक टीम नजर आ रही है। ये टीम किसकी हो सकती है? न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर आता था हिंदू नाम से। तो यहां पर अगर वो कहते हैं कि वी विल फाइट टू एबोलिश करप्शन, तो यहां पर ये भी किसके अंदर चेंज होगा? किसके अंदर चेंज होगा? इट के अंदर। तो बात समझने की ये थी कि जब हमें कलेक्टिव नाउन दिखाई देते हैं जिसके अंदर पूरी टीम मिलके काम करती है, अगर पूरी टीम मिलके काम करती है तो हम वहां पर यूज करते हैं इट को, और जब हमारी पूरी टीम मिलके काम नहीं करती है, ठीक है, अगर उसके बीच में हमारा कोई डिफरेंस मिलता है, हर क्योंकि देखो हर किसी का विजन अलग होता है। अब यहां पर अगर किसी का भी विजन अलग होगा जूरी के अंदर एक भी बंदे का, तो यहां पर बात क्या एक पूरी टीम बन पाई वहां पर? भैया आप पांच फ्रेंड्स हो, आपका एक ग्रुप है, आप पांचों मिलके फैसला लेते हो कि चलो हमें शिमला चलना है, लेकिन एक बंदा उठ के कह देता है नहीं, तो वो टीम खत्म आपकी, वो ग्रुप खत्म आपका। तो वहां पर आप यूज करोगे दे को, और वहीं पर जब आपके पांचों फ्रेंड्स मिलके एक ही फैसला लेते हो और कहते हो कि हाँ चलो हमें शिमला चलना है, तो वहां पर जो आपका ग्रुप है वो किसको शो करेगा? एक यूनिटी को शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ यहां पर हमें यूज करना है इट। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि हमें एक रूल नजर आता है, और वो रूल क्या कहता है कि जब भी हमें किसी भी मैगजीन, न्यूज़पेपर, इनके नाम जब भी हमें नजर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके लिए यूज करते हैं इट को, इट्स को या इट को। किसकी जगह पर? वी की जगह पर। तो ये कॉन्सेप्ट था जो बताता है कि हाँ यहाँ पर जो मैगजीन है या न्यूज़पेपर है वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, और जिसकी वजह से ही हम यहाँ पर इट, इट्स या इट इनमें से किसी एक का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आप भी अगर दिल्ली में हो तो इस टाइम पर रेन को एंजॉय करो, बारिश के मजे लो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।